हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो कि टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है और इतनी टेस्टी बनेगी कि आप अपना रेस्टोरेंट का खाना भूल ही जाओगे। तो फिर नमस्कार, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीज किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए थोड़ी सी दूध, आधे कप से भी थोड़ा सा कम आपको गुनगुना दूध लेना है। उसमें हम डाल देंगे ड्राई ईस्ट। यहाँ पे मैं 2 से 3 बड़े चम्मच जितना ड्राई ईस्ट डाल रही हूँ। उसी के साथ में हमें डालनी है 1 बड़े चम्मच चीनी। इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध ना गुनगुना नहीं हुआ तो ईस्ट डेवलप नहीं होगी, और चीनी भी नहीं डालोगे तो भी ईस्ट डेवलप नहीं होगी। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ढक के हम साइड में छोड़ देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक ईस्ट अच्छे से डेवलप हो जाएगी। तो फ्रिज में मत रखना, बस साइड में छोड़ देना। तो साइड में छोड़ देते हैं और अपने बाकी का काम कर लेते हैं। तब तक यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ी सी बोनलेस चिकन। चिकन को मैंने अच्छे से पहले धो ली है। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़े चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़े चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखापन ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा भी डाल सकते हो, कम पसंद हो कम भी कर सकते हो। डाल देंगे 1 छोटा चम्मच मीट मसाला और थोड़ी सी नमक अपने स्वाद के अनुसार। और हमें डालनी है थोड़ी सी हल्दी पाउडर, बस 2-3 चुटकियाँ। और उसी के साथ में हमें डालनी है दही, खट्टा वाला दही लेना, अच्छे से फेंट के लेना है। फिर हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच इतना सरसों का तेल। सरसों के तेल से ना वो तंदूरी वाली फीलिंग आएगी। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक स्पून से। आप चाहो तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हो। बस ये सारे मसालों के साथ चिकन अच्छे से कोट हो जानी चाहिए। चिकन मैरिनेशन हो गई है, इसको साइड में छोड़ देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सीधा हम इसको लेके चलेंगे गैस की तरफ। गैस पे हमें लेना है एक पैन और उसमें लेना है तेल। 2 बड़े चम्मच तेल पहले गरम कर लेना। उसके बाद उसमें आप डालना 2 बड़े चम्मच इतना बारीक कटी हुई लहसुन। लहसुन को हम लो फ्लेम पर बस 1 मिनट के लिए पहले भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े चम्मच इतना बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक को भी हम लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे। एक मिनट के बाद हमें इसमें डालनी है टमाटर। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर डाले हैं। उसी के साथ में हमें डालनी है थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अगर आपको तीखापन ज़्यादा नहीं पसंद हो तो कम भी कर सकते हो, और अगर आप मेरी तरह स्पाइसी लवर हो तो इसे ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो बस सारी चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ढक के छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे कम से कम 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलेंगे, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। टमाटर को गलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, हम इसमें चिकन डालने वाले हैं ना, तो टमाटर अपने आप गल जाएगी। तो ये जो हमारी मैरिनेटेड चिकन थी इसको हम इसमें डाल देंगे। पहले 2-3 मिनट आप इसको हाई फ्लेम पे पकाना। चिकन अभी ठंडा है, उसको गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगती है, तो बस हाई फ्लेम पे 3 मिनट तक। उसके बाद अब फ्लेम को मीडियम पे करते हुए इसको पकाना। अब चिकन को तो अंदर से सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो अभी ना हम इसको ढक के रख देंगे मीडियम फ्लेम पे ही कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। 4-5 मिनट के बाद ढक्कन को खोलना, चिकन को एक बार चेक कर लेना दोस्तों। अगर ये पकी हुई होगी तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर आप और इसको ढक के रख सकते हो। अब बोनलेस चिकन ना बहुत जल्दी पक जाती है। अब ये भी चिकन मैं चेक करके देख लूँगी, उसके बाद मैं इसको और पकाऊँगी। तो चिकन लगभग रेडी हो गई है, इसे ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देना है और इसमें हम डाल देंगे कुछ सब्जियाँ, जैसे कि थोड़े से प्याज, थोड़ी सी गाजर और थोड़ी सी शिमला मिर्च। इन सारी चीज़ों को ना मैंने बहुत ही पतले पतले काटे हैं, आप देख भी सकते हो। अगर आप चाहो ये सारी सब्जियां ना खाना तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप बच्चों को खिलाना चाहते हो ना तो इस तरीके से सब्जियां उन्हें खिलाना,
वो ना सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं, मैं आपसे दावा करती हूँ वो सारे सब्ज़ियाँ खा जाएंगे। तो बस इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करनी है लो फ्लेम पे। सब्ज़ियों की जो क्रंचीनेस है वो ना बरकरार रहनी चाहिए, इसका बस कच्चापन जानी चाहिए। तो बस 2 मिनट के लिए हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये बिल्कुल तैयार है। इसको अब हम साइड में छोड़ देंगे। तो 15-20 मिनट तो हो गए हैं दोस्तों, हम देख लेते हैं कि अपनी ईस्ट डेवलप हुई है या नहीं। ये देखो ईस्ट फूल के कितनी ज़्यादा डबल हो गई है ना। अगर आपकी ईस्ट ऐसे नहीं फूलती है तो आप ना वो वाली ईस्ट बिल्कुल भी यूज़ मत करना, आपके वो ईस्ट ख़राब हो चुके हैं। अगर वो ईस्ट आप किसी भी चीज़ में डालोगे तो वो चीज़ भी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो सीधा हम ये ईस्ट को डाल देंगे मैदे में। मैंने यहाँ पे 3 कप जितना मैदा लिया है, उसमें ये सारे ईस्ट मतलब कि डेवलप्ड ईस्ट डाल दी है, थोड़े से नमक भी डाल दी है छिड़क के, और उसके साथ में ये सारी चीज़ों को हम पहले हाथों से मिलाएंगे। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हम इसका एक डो बना लेंगे। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो दोस्तों कि डो हमारी बन गई है। तो अच्छे से हम इसको सेट करके छोड़ देंगे ढक के। ढक के रखना है नहीं तो ये काम नहीं करेगी। तो एक सूती का कपड़ा लेना है या फिर कोई भी एयर टाइट कंटेनर आपको लेनी है, और कोई भी गर्म जगह पे आपको छोड़ देनी है। मतलब कि ऐसा नहीं कि धूप में रख दो, बस नॉर्मली आप छोड़ देना, फ्रिज में मत रखना, पंखे के नीचे भी मत रखना, और ऐसे रखना ताकि इसके अंदर कोई हवा ना जा सके। ऐसे आपको छोड़ देना है कम से कम 1.5 घंटे तक। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। लेना है आपको एक छोटा सा बोल, और उसमें आपको लेनी है टमाटो केचप। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टमाटो केचप ले रही हूँ, उसमें मैं ले रही हूँ थोड़े से मेयोनीज़। मेयोनीज़ के साथ ही हमें यहाँ पे चाहिए 1 बड़े चम्मच जितना सफ़ेद तिल। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आप चाहो तो थोड़ा सा टमाटो केचप के साथ भी काम चला सकते हो, लेकिन ये तीनों चीज़ों का जो एक कम्बिनेशन है ना दोस्तों, इतनी ज़्यादा यमी है, आप एक बार बनाओगे ना तब जाके आपको पता चलेगा। तो सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अपनी ड्रिपिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। साइड पे छोड़ देंगे और देख लेंगे कि अपनी डो कैसी है। तो डो देखो दोस्तों फूल के डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो हाथों में आपको थोड़ा सा सूखा मैदा लेना है, नहीं तो ये आपके हाथ में भी चिपक जाएगी। और उसके बाद ये डो को हम निकाल लेंगे, एक बार फिर से हम इसको नीट कर लेंगे, और जहाँ पे आप रखने वाले हो वहाँ पे भी थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क लेना। उसके बाद डो को हम रख लेंगे और इसे हम काटेंगे। काटेंगे मतलब इसकी लोइयाँ काटेंगे, छोटे छोटे लोइयाँ काटनी है दोस्तों। जैसा आप रोटी बनाते हो ना, उससे भी थोड़ा सा छोटी आपको लोइयाँ काटनी है। तो लोइयाँ तो मैंने काट ली है, अभी हम इसको रोल करके मतलब कि इसका गोल गोल बना के हम साइड में रख देंगे। और जहाँ पे भी रखने वाले हो ना दोस्तों, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क लेना है, और एक के साथ एक जुड़ी हुई नहीं रहनी चाहिए। ये धीरे धीरे ना ये डेवलप होगी, थोड़ा सा ये फूलेगा तो अपने आप ये जुड़ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा गैप रखते हुए आपको रखनी है। और उसके बाद एक एक करके हम इसको निकालेंगे, मैदे के ऊपर हम इसको रोल करेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करनी है, थोड़ा सा मोटा ही आपको रखना है, इस तरीके से। घबराना मत दोस्तों, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगी। हम इसमें ईस्ट डाले हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल तकिए जैसा आप देखना। और उसके बाद हम इसको सेक लेंगे, सेकना है आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे। थोड़ा सा बटर भी आप डाल सकते हो जैसे कि मैंने डाला है, या फिर आप चाहो तो बिना बटर के भी बना सकते हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे और नीचे भी थोड़ा सा रख देंगे। ये जो रोटी बन रही है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन रही है।
आपने इसको वैसे भी चिकन करी, मटन करी, एक करी किसी के साथ भी खा सकते हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये ना आप अलग से भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो बस ये सीख के बिल्कुल रेडी हो गई है। बस थोड़ा सा आपको इसे ठंडा करना है ताकि आप इसको आसानी से छू सको और काट भी सको। तो थोड़ा सा मतलब बस 5 मिनट के लिए साइड में छोड़ देना और उसके बाद इसके बीचों बीच इस तरीके से आपको काट लेनी है, बिल्कुल इस तरीके से। अंदर एक पॉकेट जैसी होनी चाहिए। आप चाहो तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हो। ये देखो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा किया है क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे स्टफिंग डालने वाली हूँ। खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, घर में अगर आपके बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते हैं तो इस तरीके से बना के उनको खिलाइएगा, वो सब्जियाँ कभी भी अलग करके फेंकेंगे नहीं। और ये स्टफिंग डालने के बाद ऊपर से हम ये सॉस भी डाल देंगे। बहुत मज़े की एक सॉस बनी है अपनी। आप चाहो तो थोड़ी सी चीज़ भी ग्रेट करके डाल सकते हो। और इसे बस आपको बंद करना है और इंजॉय करनी है। तो इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, और मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले कैसे बने हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।